बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वो आए दिन किसी न किसी विषय पर अपनी राय रखती रहती हैं। इसी कड़ी में कंगना अब आलिया की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर अपनी राय रखती दिखाई दी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का भी नाम नहीं लिया, बल्कि नाम लिए बिना ही हमला बोला है। हालांकि उस बयान को सीधे तौर पर आलिया और उनके पिता महेश भट्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। कंगना ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कंगना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा कि शुक्रवार पूरे 200 करोड़ रुपए मूवी माफिया डैडी की परी के लिए बॉक्स ऑफिस पर जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि उसके पापा ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी रोम कॉम बिम्बो एक्टिंग कर सकती है, जिसकी सबसे बड़ी कमी है फिल्म के लिए गलत कास्टिंग करना। ये नहीं सुधरेंगे। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अब सारी स्क्रीन हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की तरफ जा रही है। मूवी माफिया के पास जब तक पावर है बॉलीवुड में कयामत आती रहेगी। कंगना आगे कहती हैं कि बॉलीवुड माफिया डैडी ने अकेले फिल्म इंडस्ट्री की पूरी संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया है, जिसने कई बड़े डायरेक्टर्स को बरगलाया है। इस फिल्म की रिलीज के बाद एक और उदाहरण सामने होगा, लोगों को इसे रोकने की जरूरत है। इस शुक्रवार की रिलीज के साथ एक बड़े एक्टर और महान डायरेक्टर इसके हेर फेर के शिकार होंगे। एक्ट्रेस ने अपने इस पूरे बयान में कहीं भी आलिया या उनके पिता महेश भट्ट का नाम नहीं लिया है, हालांकि इसे उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना ने आलिया की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर खुलकर बात की हो। इससे पहले उन्होंने फिल्म के डायलॉग पर रील बनाने वाले बच्चों को लेकर फिल्म के मेकर्स पर निशाना साधा था, जिस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी बड़ी बातें कही थी, जो उस समय लोगों के बीच काफी चर्चा में आ गई थी। वहीं बढ़े आलिया के वर्क फ्रंट की तरफ तो आने वाले दिनों में कई फिल्मों में दिखने वाली हैं, जिनमें सीता, धाकड़, तेजस, टीकू वर्ष शेरू और इमली का नाम शामिल है। दर्शकों को उनकी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि फिलहाल वो आलिया की फिल्म पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।